Hello dear students, welcome to my maths video class for 20th August. I'm sure children you all are doing good, taking good care of yourselves, listening to your parents, following all the safety precautions and following all the COVID protocols. Do take very good care of yourselves children, and at the same time be very very regular with your studies also. सारे प्रिकॉशंस लेने के साथ साथ क्लासेस तो अटेंड करते हो, बट एट द सेम टाइम ये भी ज़रूरी है कि आप अपने काम के साथ भी रेगुलर रहो. ओके, आप अपना रेगुलरली वीडियोस देखो एंड वॉट एवर वर्क इज़ गिवन टू यू वेदर इट इज़ इन योर बुक और इन योर नोटबुक, अपना काम टाइम पे कंप्लीट करते रहो. ओके, सो कमिंग बैक टू चैप्टर नंबर 8 विच इज़ वर्किंग विद नंबर्स टिल 100. ओके, in this chapter children we have done the numbers from 51 to 100. पहले हमने 51 से 100 तक numbers किए, then we have done the number names also from 51 to 100. Number names, you all know that number names are the spelling of any number. जो number name की जो spelling होती है that is the number name. ठीक है, उसे हम number name कहते हैं. उसके बाद हमने और क्या किया, इसमें हमने जो एक नई चीज़ पढ़ी है दैट इज़ राइटिंग एनी नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब उसकी प्लेस एंड प्लेस वैल्यू. प्लेस तो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है, वंस एंड टेंस प्लेस, बिकॉज 10 ऑनवर्ड्स, 10 से लेकर के 99 तक ऑल द नंबर्स हैव टू प्लेसेस, है ना. 10 से 99 तक सारे नंबर्स में टू प्लेसेस होती हैं, तो वंस एंड टेंस दीज आर द टू प्लेसेस. तो ये तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा था. सो इन दिस चैप्टर ऑल्सो वी हैव लर्न्ड अबाउट प्लेस, एंड जो नई चीज़ हमने सीखी दैट इज प्लेस वैल्यू, जिसको कि हमने एज नंबर सेंटेंस लिखा. सो जो प्लेस होती है हर एक डिजिट की, एक प्लेस होती है हर एक नंबर में, वंस एंड टेंस. ठीक है, सिंस वी आर वर्किंग विद टू डिजिट नंबर्स, तो वंस प्लेस इज देयर एंड टेंस प्लेस इज देयर. वंस एंड टेंस दीज आर द टू प्लेसेस, इनकी वैल्यू, इनकी जो वैल्यू होती है दैट इज नोन एज प्लेस वैल्यू. मतलब वंस प्लेस की प्लेस वैल्यू इज वन ओनली, बिकॉज वन मीन्स वन ओनली, टेंस मीन्स टेन. ठीक है, उसके बाद जैसे हंड्रेड स्पेस आएगी तो हंड्रेड. ठीक है, जैसे हम नंबर बोलते हैं दैट इज द प्लेस वैल्यू, तो वंस प्लेस की प्लेस वैल्यू वन है, टेंस की प्लेस वैल्यू टेन है. अकॉर्डिंगली उस प्लेस पे जो भी डिजिट होगी, उस प्लेस पे जो भी डिजिट होगी अकॉर्डिंगली उसकी प्लेस वैसे ही, उसकी प्लेस वैल्यू चेंज होती जाएगी. ठीक है, प्लेस तो सेम रहेगी, उस प्लेस पे जो डिजिट्स हैं डिजिट्स विल चेंज एंड अकॉर्डिंगली देयर प्लेस वैल्यू विल चेंज. तो प्लेस वैल्यू हमने इसमें एक नई चीज़ पढ़ी, है ना. जैसे हमने नंबर सेंटेंस लिखा कि 49 दैट इज 40 प्लस 9. इफ यू राइट इट एज 4 टेंस प्लस 9 वंस दैट इज एक्सपेंडेड फॉर्म इन टर्म्स ऑफ प्लेस, एंड इफ यू राइट इट एज 40 प्लस 9 सो दैट इज राइटिंग एक्सपेंडेड फॉर्म इन टर्म्स ऑफ इट्स प्लेस वैल्यू. ठीक है, देन आफ्टर दिस वी हैव डन हिडन नंबर, एक फन एक्टिविटी किया था कि उसमें जो हमने फर्स्ट लेसन में जो पढ़ा था कॉन्सेप्ट्स, अबव बिलो लेफ्ट राइट, ये जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे अप डाउन इनसाइड आउटसाइड, तो इन सारे कॉन्सेप्ट में से इस एक्टिविटी में हमने अबव एंड बिलो लेफ्ट एंड राइट वी हैव यूज दीज फोर कॉन्सेप्ट, और ये फोर कॉन्सेप्ट यूज करके जो भी क्लूज था उसके अकॉर्डिंग हमने नंबर को कलर किया एंड देन वी गॉट वन हिडन नंबर. हिडन नंबर मतलब दिस इज जस्ट अ फन एक्टिविटी कि सारे नंबर्स को अकॉर्डिंग टू द क्लूज कलर करने के बाद जो नंबर सामने आया दैट वॉज नंबर 100. ये एक फन एक्टिविटी किया. देन वी डिड बिफोर एंड आफ्टर, उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने बिफोर एंड आफ्टर किया. ठीक है, बिफोर मीन्स द नंबर बिफोर एनी गिवन नंबर एंड आफ्टर मीन्स द नंबर आफ्टर एनी गिवन नंबर. ठीक है, तो ये हमने किया था. नाउ टुडे वी विल बी डूइंग द नंबर और नंबर्स बिटवीन. ठीक है, जैसे किसी नंबर के पहले नंबर है, किसी नंबर के बाद नंबर है, बीच में भी तो नंबर आएगा, तो टू नंबर्स के बीच में वन नंबर कैन ऑल्सो बी देयर एंड देयर कैन बी
देन वन नंबर्स, सो वी से नंबर और नंबर्स बिटवीन. ठीक है, हम क्या बोलते हैं, नंबर या नंबर्स बिटवीन. सो टर्न टू पेज नंबर 93 इन योर मैथ्स बुक. ओके, दिस इज द एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइज है नंबर बिटवीन. सो टर्न टू पेज नंबर 92 इट इज 92 इन ओल्ड एडिशन बुक्स. जो ओल्ड एडिशन वाली बुक्स है उसमें 92 है, एंड इन न्यू बुक्स इट इज 93. जो न्यू बुक्स है उसमें 93 होगा. ठीक है, पेज नंबर इज 93. नाउ बिटवीन, बी ई टी डब्ल्यू डबल ई एन, बिटवीन. ओके, द क्वेश्चन इज राइट द एन यू एम बी ई आर एस नंबर्स बिटवीन. राइट द नंबर्स बिटवीन. ठीक है, टू नंबर्स आर देयर, तो टू नंबर्स के बीच का एक नंबर भी हम लिख सकते हैं, एंड वी कैन राइट मोर देन अकॉर्डिंगली, जैसे भी दिया हुआ है. तो फर्स्ट आई विल राइट द नंबर्स एंड देन वी विल राइट द नंबर्स बिटवीन. ठीक है, एग्जाम्पल इज गिवन, वो भी मैं लिख दे रही हूँ, 56 एंड 58. फर्स्ट आई विल राइट द नंबर्स, देन नाइन डैश 11 27 then 86 and 88 then 51 and 53 then 85 and 87 87. ठीक है, फर्स्ट वी विल डू दीज टू, इसके बाद रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस करेंगे. नाउ लेट अस राइट द नंबर्स इन बिटवीन. ठीक है, 56 एंड 58 मतलब सेंटर में, बीच में जो नंबर, द नंबर बिटवीन, उसके पहले का एक नंबर होगा एंड उसके बाद का एक नंबर होगा. सो दैट मींस जो नंबर पहले है 56 है, वी विल हैव टू राइट द नंबर आफ्टर दिस नंबर, एंड ये जो नंबर है इसके पहले वाला नंबर हमें लिखना होगा. ठीक है ना, तो 56 एंड 58. 56 के बाद कौन से नंबर आते हैं, 50 51 52 53 54 55 56 57. द नंबर आफ्टर 56 इज 57. तो 56 57 एंड 58. ओके, देन 9 एंड 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11. Then 25 and 27. 21 22 23 24 25 26 27. 25 26 and 27. ठीक है, सो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर, द नंबर बिटवीन, जो बीच में नंबर हम लिख रहे हैं, उसके पहले एक नंबर है, उसके बाद में एक नंबर है ना, नंबर बिफोर एंड नंबर आफ्टर. नाउ 86 एंड 88, 86 87 88 87 देन 51 एंड 53. सो 50 51 52 51 के बाद क्या आएगा,
52 and then 53. 85 and 87. 85, 86, 87. 85 and then 86. Okay? So, बीच में जो बिटवीन द नंबर बिटवीन वन नंबर इज बिफोर दैट एंड वन नंबर इज आफ्टर दैट. सो चिल्ड्रन आई होप यू ऑल हैव रिटन डेट इन क्लास वर्क. दिस इज द पेज नंबर एंड आई ऑलवेज टेल यू टू राइट डेट इन क्लास वर्क ऑन टॉप. आप भी यहाँ पे ऊपर टॉप पे डेट लिखोगे और क्लास वर्क लिखोगे. यहाँ पे आप क्लास वर्क लिख सकते हो, उसके नीचे डेट लिख सकते हो. वेन एवर यू डू एनी वर्क, चाहे वो आपकी बुक में हो या आपकी नोटबुक में हो, कहीं पे भी आप वर्क करते हो तो ऑलवेज राइट योर क्लास डेट एंड क्लास वर्क. ठीक है, जिससे कि आपको पता रहे कि आपने किस डेट को कौन सा वर्क किया है. ओके, सो ऑलवेज राइट डेट एंड क्लास वर्क. नाउ मैथ्स भी आप यू कैन कंप्लीट द एक्सरसाइजेज अलॉन्ग विथ मी. जैसे जैसे मैं करती हूँ क्लास में आप मेरे साथ साथ कर सकते हो. एंड ये मुझे किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आप सबको आता है. आई नो इट, बट स्टिल मैं अभी साइड में हूँ. जिसका नहीं हुआ है आप इसको देख के लिख भी सकते हो, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. बट बेटर ये होगा कि आप क्लास में मेरे साथ साथ लिखो, बिकॉज यू जस्ट हैव टू राइट अ नंबर बिटवीन. बहुत ज़्यादा कुछ लिखना भी नहीं है, सो बीच में आपको एक नंबर लिखना है. ओके, सो इसको लिख लो, देन आई विल इरेज दिस एंड वी विल डू द नेक्स्ट वंस. ठीक है, सो करो इसको. ओके, आई होप एवरीवन हैज रिटन. सब ने लिख लिया मेरे ख्याल से. अभी मैं इसको इरेज कर रही हूं. नाउ नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्या है? 64 एंड 66. ठीक है, देन 76 एंड 78. 76 78. ठीक, देन नेक्स्ट इज 90 92. This is visible, yes. Then 87 and 89. 87 89. And then 98 and 100. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. 64 एंड 66. 64, 60, 61, 62, 63, 64. देन नेक्स्ट इज 64 के बाद क्या आता है? 65. सो 64, 65, 66. तो जो द नंबर विच इज इन बिटवीन, जो बीच में नंबर है, वो जो है जो फर्स्ट नंबर है दैट नंबर कम्स आफ्टर, और जो बाद में नंबर है वो उसके पहले आता है. ठीक है ना, जो बीच वाला जो नंबर है द नंबर बिटवीन, वो फर्स्ट नंबर के बाद का नंबर है और जो लास्ट नंबर है उसके पहले का नंबर है. दैट इज व्हाई इट इज इन बिटवीन, इसीलिए ये बीच में है. देन 47 एंड 49. 47, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 47, 48, 49. ठीक है ना, 76 एंड 78, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. 76, 77 एंड 78.
8, ठीक है. देन 90, 91, 92, 93, 94, 85, 86, 87, 88. ठीक है. सो दैट मीन्स जो नंबर बिटवीन है, जो फर्स्ट नंबर है, बीच वाला जो नंबर है, वो फर्स्ट नंबर जो है उसके बाद का नंबर है, एंड जो लास्ट नंबर है उसके पहले का नंबर है. ठीक है. नाउ कंप्लीट दिस. इसको आप कंप्लीट करो, मैं साइड में आ रही हूँ. Everyone has written. सब ने लिख लिया. Everyone has written this. इसको लिखो. चलो, I hope everyone has written. या अगर नहीं भी किया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. एक सेकंड का टाइम और दे रही हूं. ठीक. चलो, अभी ये मैं इरेज कर रही हूं. आई एम श्योर सब ने ये कर लिया है. Now we will be doing the next exercise. अभी next में आप देखोगे कि we have to write numbers between. यहाँ पे हमने क्या लिखा है? We have written number between. मतलब एक number लिखा है. Again singular and plural. अब देखोगे कि जितने भी subjects हैं ना, वो सब आपस में interrelated होते हैं. यहाँ भी English grammar आ गया. Singular and plural. Reading तो आपको करनी ही है. Write the मैंने यहाँ पे numbers लिखा हुआ है. It has should have been number. ठीक है, यहाँ पे number लिखना चाहिए था मुझे. My mistake. Write the number between, because here we are writing only one number. ठीक है. अभी जो since in your book it has written write the numbers between, so मैंने भी लिख दिया. But इसमें आना चाहिए number, because we are writing only one number in between. अब जो हम करेंगे, हियर वी आर गोइंग टू राइट द नंबर्स बिटवीन, बिकॉज यहाँ पे हम एक से ज़्यादा नंबर्स लिखेंगे. ओके. तो इसको अभी मैं इरेज कर रही हूँ. नाउ नेक्स्ट इज उसी पेज पे वी आर गोइंग टू डू दिस एक्सरसाइज. नाउ अभी हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है. सो हियर राइट द नंबर्स बिटवीन. फर्स्ट इज 51 and 54. 51 and 54. ओके. तो 51, सिंस वी हैव टू राइट टू नंबर्स, 54. ओके. देन 63 and 66. 63 and 66. Then one number, then second number, and then 66. Okay. चलो, let us write these two. उसके बाद बाकी दो लिखते हैं. Now here you have to write two numbers. अभी हमें पता है 51 and 54, मतलब हमें 51 and 54 के बीच का नंबर लिखना है. ओके. सो 51 and 54 के बीच का नंबर लिखना है. तो 51 के बाद क्या आएगा? 52. देन 53. 50, 51, 52, 53 and then 54. ठीक है. नेक्स्ट इज 63 and 66. 60, 61, 62, 63 के बाद नेक्स्ट क्या है? 64, 65 and 66. काउंटिंग सबको आती है, सो इसीलिए वेदर हमें वन नंबर लिखना हो,
टू नंबर्स, थ्री नंबर्स, कितने भी नंबर्स, जैसे इसके पहले अभी हमने वी रोट वन नंबर, यहाँ पे हियर वी आर राइटिंग टू नंबर्स. इन द सिमिलर मैनर वी कैन राइट मोर देन थ्री नंबर्स ऑल्सो. ठीक है, जैसे हम यहाँ पे टू नंबर्स लिख रहे हैं, हम थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, अभी इसको कर लेंगे, देन वी विल बी डूइंग फ्यू मोर एक्सरसाइजेज विच इज़ नॉट देयर इन द बुक. ठीक है, अभी आप इसको लिखो, इसको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट राइट इट इन द क्लास इटसेल्फ. इसको आप देख करके तुरंत लिख सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 71 एंड 74. 51 था, 54 था, बस अंदर का इसको ड्रॉप कर देते हैं. ठीक है ना, यू डोंट हैव टू ड्रॉप द होल थिंग, बॉक्सेस ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर देते हैं. 71 and 74. Yes, 71 and 74. And next is 92 and 95. 71, 74, 92, 95. ठीक है, 71 एंड 74, 70, 71, 72, 72, 73 एंड 74, देन 92 एंड 95, 92, 93, 94 एंड 95. ठीक है, इसको लिखो, ओनली टू वर देयर. अभी इसके बाद में और करवाऊंगी, वेयर वी विल राइट मोर देन टू नंबर्स. ठीक है, यहाँ तो हमने टू नंबर्स लिखे, जैसे इसके पहले वन नंबर लिखा, टू नंबर्स लिखे, अभी मैं कुछ करवाऊंगी वेयर वी विल राइट मोर देन टू नंबर्स. ठीक है, इसको आप जल्दी से लिखो अपनी बुक में. एंड आफ्टर दिस आई विल गिव यू सम होमवर्क ऑल्सो टुडे. वॉट एवर वी हैव डन, अभी हमने जो किया है इस पे बेस मैं कुछ आपको होमवर्क भी दूंगी. ठीक है, ओके, सो एवरीवन हैज रिटन. अभी इसको मैं जा रही हूँ रफ करने. ओके, क्वेश्चन अभी जो मैं दे रही हूँ ये मैं जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बता रही हूँ. जैसे हमने वन नंबर लिखा एंड बिटवीन टू नंबर्स लिखा, वी कैन राइट मोर देन दैट ऑल्सो. चलो अभी देखते हैं. राइट द नंबर्स बिटवीन, इसको अभी कॉपी में लिखना नहीं है. ठीक है, जस्ट पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. सपोज नंबर्स बिटवीन 55 and 59. ओके, सो 55 and 59, 55 and 59 के बीच में कितने आ गए, आप काउंटिंग मन में करके देख सकते हो. Then next number 59. Okay. Then say 63 and 67. 63 and 67. So 63, 67, 81 and 86. ठीक है, 81 and 86. So now let us see. ठीक है, नाउ लेट अस डू दिस. दिस इज नॉट देयर इन योर बुक, ये आपकी बुक में नहीं है. ठीक है, ये जस्ट मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ. 55 and 59. ठीक है, 55, 56, 57, 58,
एंड 59, ठीक है। यहाँ पे हियर वी हैव रिटन थ्री नंबर्स इन बिटवीन, यहाँ पे हमने बीच में थ्री नंबर्स लिखे हैं, ओके। देन 63 एंड 67, तो 63, 64, 65, 66 एंड 67, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने अगेन वी हैव रिटन थ्री नंबर्स इन बिटवीन, ठीक। देन 81 एंड 86, 81, 82, 83, 84, 85 एंड 86, सो हियर वी हैव रिटन 1, 2, 3, 4, फोर नंबर्स इन बिटवीन, ठीक है। यहाँ पे हमने बीच में फोर नंबर्स लिखे, सो चिल्ड्रन यू कैन सी दैट वी कैन राइट 2, 3, 4, 5 बिटवीन। अब ये मतलब नहीं कि बीच में लिखे हैं तो हम 10, 11, 12, 13 नंबर्स लिख दें, बट यस एटलीस्ट वन नंबर की जगह हम 2, 3, 4 नंबर्स भी कर सकते हैं टू राइट इन बिटवीन, ठीक है। फाइन, ये आपको बुक में नहीं, दिस इज़ नॉट इन योर बुक, ये नोटबुक में भी नहीं करना है। अभी मैं इसको इरेज कर रही हूँ एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम नोटबुक वर्क, ये आपको अपने आप करना है, ठीक है। वॉट एवर वी हैव डन, ये आपको अपने आप नोटबुक में करना है, ओके। दिस इज योर होमवर्क। नोटबुक वर्क, NOTEBOOK, नोटबुक वर्क। फर्स्ट इज राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म, ठीक है। राइट इन EXPANDED, एक्सपैंडेड FORM फॉर्म, ठीक है। 48 इज इक्वल टू डैश टेंस प्लस डैश वंस इज इक्वल टू, दैट मीन्स यू हैव टू राइट द डिजिट्स हियर एंड यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। इट इज एग्जैक्टली इन द सेम मैनर जैसे आपका बुक में दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इसमें ये वन नंबर है एंड सेकेंड इज 76, नॉट 76, इट इज 9090 डैश टेंस प्लस वंस इज इक्वल टू डैश प्लस डैश, मतलब यहाँ पे आपको पहले डिजिट लिखनी है एंड देन यू हैव टू राइट द प्लेस वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा शायद फ्रेम से बाहर जा रहा है बट दिस यू कैन सी, ये एग्जैक्टली जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है बिल्कुल उसी तरह से मैंने दिया है, ओके। एंड अनदर इज वन मोर इज कंप्लीट द नंबर सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेकेंड वाला COMPLETE, complete the NUMBER number SENTENCE, complete the number sentence, ये भी आपकी जैसे बुक में है इन द सेम मैनर आई एम गिविंग, ठीक है ना। 35 इज इक्वल टू, यू हैव टू राइट द प्लेस वैल्यू हियर, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू लिखना है। 61 इज इक्वल टू डैश प्लस डैश एंड 70 इज इक्वल टू डैश, फाइन। एंड फोर्थ इज 88 इज इक्वल टू, दिस यू हैव टू डू इन योर नोटबुक, नोटबुक में आपको करना है। जब भी नोटबुक में मंगवाऊंगी आई विल चेक। फर्स्ट वन राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड सेकेंड इज कंप्लीट द नंबर सेंटेंस, सो नोट इट डाउन इन योर कॉपी। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो और यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट।
उसको आप फिर बाद में देख करके कर सकते हो, जो भी आपको करना है, वट एवर इज कन्वीनियंट। ठीक है, इफ यू विश यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑल्सो। सो आई होप एवरी वन हैज टेकन, और ये बिल्कुल वीडियो के एकदम एंड में है, तो आप यहाँ पे वीडियो अपना पॉज करके भी लिख सकते हो। ओके चिल्ड्रन, सो दैट इज ऑल फॉर द डे। आई होप वट एवर वी हैव डन इन द क्लास इज क्लियर टू यू, समझ में आ गया है। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।